फैसला नहीं होगा। एक मेरे बाबूजी की निशानी है इसे बेचे। मशहूर बिजनेसमैन पोंटी चड्ढा का मर्डर कैसे हुआ, इस केस की तफ्तीश के दौरान रिपोर्टर को दो अलग अलग एफआईआर मिले हैं। एक एफआईआर पोंटी के दोस्त सुखदेव सिंह नामधारी ने लिखवाया है और दूसरा एफआईआर पोंटी के भाई हरदीप के ड्राइवर नंदलाल ने। इन दोनों एफआईआर के आधार पर नाट्य रूपांतरण के जरिए ये रिपोर्ट तैयार की गई है। पोंटी को कितनी गोली मारी गई, किसकी गोली से मारे गए पोंटी चड्ढा, पोंटी के मर्डर से पहले क्या हुआ, पोंटी के मर्डर के बाद क्या हुआ, अगर पोंटी को उनके भाई ने मारा तो भाई हरदीप को किसने मारा, दो भाई पोंटी और हरदीप का मर्डर हुआ, दो एफआईआर हुई। दोनों एफआईआर के आधार पर देखिए कैसे हुआ पोंटी का मर्डर। पोंटी चड्ढा और उनके भाई हरदीप चड्ढा की मौत के 5 दिन बाद आज उनके अंतिम अरदास में देश की सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता पहुंचे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े उद्योगपति सब आए। कांग्रेस के राज बब्बर से लेकर अजहरुद्दीन तक आए। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव थे। बॉलीवुड से पूजा भट्ट और बोनी कपूर थे। सरकार की मंत्री परनीत कौर आई। सभी लोगों ने चड्ढा परिवार का दुख बांटने की कोशिश की, लेकिन एक सवाल ऐसा था जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता था, पोंटी और उनके भाई हरदीप का मर्डर कैसे हुआ। इंडिया टीवी की इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने मर्डर केस की एक एक कड़ी को नाट्य रूपांतरण के जरिए पिरोने की कोशिश की है। मैं ये क्या सीखे, तू पैसा जितना चाहिए बोल, ठीक है। ये फॉर्म हाउस साढ़े बाबूजी की निशानी है, ठीक है। ये मैं तुम्हें बेचा नहीं देना। हाँ जी, इन्हें मैंने बिना पूछे सेल का बोर्ड लगाता, फॉर सेल का बोर्ड लगाता। हाँ जी, है तो मेरा छोटा भाई है। हाँ जी, हाँ जी, मेरे को इससे कोई, लेकिन ठीक है जी, बात सुनने को तैयार नहीं है। पोंटी चड्ढा अपने साथी सुखदेव सिंह नामधारी बॉडीगार्ड और ड्राइवर के साथ फार्म हाउस पहुंचे। पीछे पीछे पोंटी का मैनेजर नरेंद्र अहलावत भी फोर्ट फीगो कार में वहां आ गया। मेहरौली के फार्म हाउस नंबर 42 का गेट बंद था। पोंटी के इशारे पर उनके मैनेजर नरेंद्र अहलावत ने फार्म हाउस का दरवाजा खुलवाया। अंदर के सभी कमरों पर ताला लगाया जाने लगा। स्टाफ कुक सोनू दौड़ता हुआ हरदीप के ड्राइवर नंदलाल के पास आया। हरदीप का ड्राइवर नंदलाल हरदीप को फोन लगाता है। सर, मैं नंदलाल बोल रहा हूँ सर, पोंटी सर के बंदे हैं सर। जी हाँ, ताला लगा दिया है कमरों पे, सारा सामान फेंक दिया है सर। क्या, आप जल्दी आइए, जल्दी आइए सर, सारा सामान फेंक दिया, कमरों पे ताले लगा दिए हैं जी, तोड़ फोड़ करना है सर। तुम लोग ठहरो भाई बारी, मैं पहुंच रहा हूँ वहीं पर। तुम लोग घबराओ मत, भाई पहुंच रहा हूँ, ठहरो वहीं बारी। हरदीप नोएडा से फार्म हाउस की तरफ निकल चुका था।
उधर फार्म हाउस में कमरे बंद किए जा रहे थे। हरदीप के सारे गार्ड डरे हुए थे, लेकिन पॉन्टी और उनके साथ आए सुखदेव सिंह नामधारी अब तक गाड़ी में ही बैठे थे। कार में बैठे बैठे हरदीप 100 नंबर डायल करता है। वो पुलिस को बताता है कि फार्म हाउस में कुछ लोग जबरदस्ती घुस आए हैं। हेलो हेलो पीसीआर, अरे आप जल्दी चले आइए। अरे 42 नंबर फार्म हाउस छतरपुर, अरे यहाँ कुछ लोग जबरदस्ती घुस आए हैं और मारपीट कर रहे हैं। मैं हरदीप चड्ढा बोल रहा हूँ। हरदीप फिर एक नंबर डायल करता है। इस बार उसने वकील को फोन किया। हेलो वकील साहब, मैं बोल रहा हूँ। वकील साहब, फिर से फार्म हाउस नंबर 42 का झगड़ा है। भाई साहब ने कब्जा कर लिया है। प्लीज साहब जल्दी आइए, कुछ कीजिए वकील साहब। इसके बाद हरदीप की कार फार्म हाउस पर आती है। हरदीप 2 पिस्तौल लेकर कार से उतरता है। अभी दोनों भाइयों में बहस हो ही रही थी कि हरदीप तैश में आ जाता है। सबको डराने के लिए वो पॉन्टी की कार के बोनट पर गोली चलाता है। पॉन्टी और पीछे बैठा सुखदेव दोनों डर जाते हैं। पॉन्टी कार से उतरने लगते हैं। हरदीप ने दोनों हाथ में पिस्तौल पकड़कर पॉन्टी पर तान रखी थी। हरदीप चिल्लाता है, अरे भाई साहब हरदीप ने 2-2 पिस्तौल तान रखी थी। फिर पॉन्टी अपने छोटे भाई को समझाने के लिए कार से बाहर निकलते हैं। अरे हम दोनों बैठ के फैसला कर लेंगे। भाई साहब मैंने आपको कितनी बार कहा कि ये फार्म हाउस मेरा है, इसको छोड़ दो। देख कल रात सारी प्रॉपर्टी पे फैसला हो गया ना। कोई फैसला नहीं, 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी पे फैसला हो गया। अरे हम दोनों भाई बैठ के इस फार्म हाउस पे भी फैसला कर लेंगे। अरे अंदर चढ़ाया वरना गोली मार दूंगा। मैं इसे तुझे बेचने नहीं दूंगा। मैं इसको रखूं या आग लगा, मेरी मर्जी। देखिए बाबूजी की निशानी है, मैं इसे तुझे बेचने नहीं दूंगा। फार्म हाउस मेरा है, आज या मैं रहूंगा या तुम रहोगे। समझा कर, ये नहीं हो सकता। भाई साहब मैं कह रहा हूँ बाहर मत निकलना। मेरी बात को समझ। नहीं भाई साहब नहीं, आज फैसला होके रहेगा या मैं रहूंगा तुम। पॉन्टी को 7 गोली लगती हैं। सुखदेव नामधारी कार से निकलकर दूसरी तरफ साइड में छिप जाते हैं। हरदीप गोली मारकर भागने लगता है। उसी वक्त गोलियों की आवाज आती है। नरेंद्र अहलावत के साथ खड़ा बॉडीगार्ड सचिन त्यागी हरदीप पर 2 गोली चलाता है। सुखदेव सिंह पॉन्टी की कार लेकर अस्पताल की तरफ निकलते हैं। थोड़ी देर में पुलिस आती है। उसे फार्म हाउस के गार्ड रूम में हरदीप की लाश मिलती है। 2 पिस्तौल वहीं थे। दिल्ली पुलिस की टीम भी फार्म हाउस नंबर 42 पर जाकर नाटी रूपांतरण के जरिए पॉन्टी चड्ढा और उनके भाई हरदीप की हत्या की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस दोनों भाइयों के मर्डर का एक एक सच जानना चाहती है। कल पुलिस ने फार्म हाउस के गेट से लेकर अंदर पेड़ों तक पर सबूत तलाशे। दिन बुधवार, समय सुबह 11:30 बजे। पॉन्टी चड्ढा के फार्म हाउस पर एक बार फिर गहमा गहमी शुरू हो गई। एक तरफ दिल्ली पुलिस की टीम की पड़ताल,
दूसरी तरफ इंडिया टीवी की इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच। आप इन्हें छोड़ दो, अगर आप लोग इन्हें छोड़ने पर तैयार ही नहीं हो। पॉन्टी के भाई हरदीप ने पहले गोली चलाई। यह पॉन्टी की तरफ से हुई पहले गोलीबारी। छतरपुर के फार्म हाउस नंबर 42 पर दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की 25 लोगों की टीम पहुंची। पॉन्टी चड्ढा की उसी लैंड क्रूजर के साथ उन्हीं सवालों को दिमाग में लिए जिनके जवाब पुलिस को 17 नवंबर से अब तक नहीं मिले हैं। इसमें दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अफसर हैं, फॉरेंसिक लैब के आला अधिकारी हैं। पहला सीन, पुलिस सबसे पहले फार्म हाउस के अंदर गई, एक एक कोना खंगाला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अंदर ये देखने की कोशिश की गई कि क्या पॉन्टी चड्ढा ने अपने भाई हरदीप को धक्का देकर गिरा दिया था। उसी सीन को दोहराकर ये जांच की कि गिरने के बाद हरदीप ने एक साथ दो पिस्टल निकालकर पॉन्टी को 7 गोलियां कैसे मारी होगी। इंडिया टीवी की टीम ने भी शुरुआती जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस के साथ साथ इस सीन को अपने कैमरे पर दोहराने की कोशिश की। पुलिस टीम की तरह इस सीन को समझने की कोशिश की कि कब क्या हुआ होगा। पुलिस की तफ्तीश जारी थी। पुलिस ने फार्म हाउस का एक एक कोना तलाशा, एक कार को गेट पर खड़ा करके ये भी देखा कि पॉन्टी चड्ढा को कार में बैठे किसने कहां से गोली मारी होगी। दूसरा सीन, फिर पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि गेट पर गोलीबारी हुई तो कैसे हुई, कौन कहां था, गाड़ी कहां थी, गाड़ी के अंदर पॉन्टी को गोली कैसे लगी। एसीपी राजेंद्र सिंह की 41 गाड़ी 42 नंबर फार्म हाउस के गेट पर खड़ी की गई। 42 गाड़ी के पास एडिशनल डीसीपी पीएस कुशवाहा, एसीपी राजेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर विजय कौशिक मौजूद थे। अब देखिए पॉन्टी चड्ढा जैसे डील डॉल वाले सब इंस्पेक्टर विजय कौशिक को इस 42 गाड़ी में बैठने को कहा गया, ठीक उसी पिछली सीट पर जहां पॉन्टी चड्ढा बैठे थे। इंडिया टीवी की टीम ने भी उस सीन को कैमरे पर दिखाया। हरदीप ने अपने भाई पॉन्टी चड्ढा को गोली कैसे मारी होगी, कहां से मारी होगी, इसको भी दिल्ली पुलिस की जांच टीम बारीकी से जांचने में जुटी हुई है। तीसरा सीन, अभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि गोली किधर से चली होगी, हरदीप ने पॉन्टी को कैसे और कहां कहां गोली मारी होगी। देखिए एडिशनल डीसीपी बता रहे हैं कि पॉन्टी को साइड से और आगे से गोलियां कुछ इस तरह लगी होंगी, उसकी बांह पर लगी बुलेट इधर से चली होगी, इसके बाद गेट के पास मेटल डिटेक्टर से गोलियों की तलाश होने लगी। मेटल डिटेक्टर के साथ पूरी टीम लग गई है गोलियों की संख्या जांचने के लिए। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पे खुद फॉरेंसिक टीम के हेड जो टीम को लीड कर रहे हैं वो तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। मेटल डिटेक्टर के ज़रिए छानबीन की जा रही है, देखा जा रहा है कहीं ऐसी कोई बुलेट तो नहीं है अंदर जो फॉरेंसिक टीम से छूट गई हो।